हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीयू द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 8/9/2021 क्रमांक संख्या 89 आज की कार्यपत्रिका कक्षा केजी के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। भाग संख्या एक, आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है नाव चली। कहानी का नाम क्या है बच्चों? नाव चली। चलिए कहानी सुनते हैं, क्या है इस कहानी में। एक मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और लेडी बग सैर करते करते एक झील के किनारे पहुंचे। अचानक मेढक ने कहा, चलो तैरे, और यह सुनकर वह पानी में कूद गया। पर हमको तैरना नहीं आता है, उदास होकर उसके दोस्तों ने कहा। फिर सबने मिलकर सोचा और एक तरकीब निकाली। चूजा गया और जल्दी से एक पत्ता लेकर लौटा। चूहा एक अखरोट का छिलका ले आया। और देखते हैं बच्चों, जो कहानी में एक मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और लेडी पग सैर करने निकले। सैर करते करते वो झील के किनारे पहुंचे तो मेढक ने कहा, चलो तैरते हैं, यह कहकर वो पानी में कूद गया। उसके बाद सब दोस्तों ने कहा, अरे हमें तो तैरना आता नहीं, हमको, उदास होकर सारे दोस्तों ने कहा। फिर सबने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। चूजा गया और जल्दी से एक पत्ता लेकर वापस लौटा, और चूहा अखरोट लेकर। और देखते हैं क्या क्या लेकर आए सारे जानवर। और देखिए, चींटी एक बड़ा सा तिनका ले आई, और लेडी बग काले धागे का एक लंबा सा टुकड़ा ले आई। ये सब काम में लग गए। मेढक भी उनके पास आ गया। देखो, चींटी ने एक बड़ा सा तिनका लेकर आई, और जो लेडी बग थी वो काला सा लंबा धागा ले आई बच्चों, और सब काम में लग गए। मेढक भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। उन्होंने तिनके को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया और पत्ती को धागे से उसमें बांध दिया, और थोड़ी देर में ही एक सुंदर नाव तैयार हो गई। उन्होंने तिनके को क्या किया, अखरोट के छिलके में अंदर फंसा दिया और पत्ती को धागे से बांध दिया। थोड़ी देर में ही देखते देखते एक सुंदर नाव तैयार हो गई। सबने मिलकर नाव को पानी में ढकेला और उस पर चढ़ गए। उनकी नाव चल पड़ी। मेढक खुश होकर नाव के साथ साथ तैरने लगा। उनकी सबकी जो नाव थी उन्होंने पानी में ढकेला, और सारे नाव पर बैठ गए बच्चों, और उनकी नाव चल पड़ी पानी में। मेढक भी खुश हो गया और नाव के साथ तैरने लगा। चलिए बच्चों आगे देखते क्या है। भाग संख्या दो, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बच्चों आपको पसंद आई ना ये कहानी? तो आपको कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। बच्चों ये कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। सैर करने कौन कौन गया था? बच्चों आपको ऊपर एक बार कहानी के पास ले जाती हूँ, बताती हूँ सैर करने कौन कौन गया था। ये देखिए, सैर के लिए मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और लेडी बग सैर करने निकले। कितने लोग निकले? मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और लेडी बग। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्या है। किसने मिलकर नाव बनाई? नाव किसने मिलकर बनाई बच्चों? यहाँ पे देखिए, ये लेडी बग है, चूहा है, चींटी और चूजा, इन सब ने मिलके एक नाव बनाई। किन किन चीजों से नाव बनाई? देखिए बच्चों, यहाँ पे चींटी जो चूजा है वो पत्ते ले आया, चूहा जो है वो अखरोट, और देखिए ये जो चींटी है वो एक तिनका ले आई, और ये जो लेडी बग है वो एक धागा ले आई थी, काले रंग के धागे का बड़ा सा लंबा टुकड़ा लेकर आई। इन सब चीजों को मिलकर
नाव तैयार हुई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। किसे तैरना नहीं आता था बच्चों? किसे तैरना नहीं आता था बताइए। इसमें है लेडी बग। देखिए यहाँ पे दिया है ये लेडी बग को, चूहे को, चींटी को और चूजे को, इन चारों को तैरना आता नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको अगर नाव बनाने का मौका मिले तो आप अपनी नाव किन किन चीजों से बनाएंगे? बच्चों अगर आपको नाव बनाने का मौका मिलेगा तो आप किन किन चीजों से नाव बनाएंगे? ये आप सोच के बता सकते हैं। जैसे बहुत लोग प्लास्टिक की कैन को जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, या पानी के बड़े ड्रम या ढक्कन इन सब का, या टब, बड़ा सा टब हो उसे भी बोट बन सकती है। आप अपने विचार सोच के बता सकते हैं कि किन किन चीजों से आप अपनी नाव बना सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या दिया है। भाग संख्या 3, आइए एक लेडी बग बनाकर उसमें रंग भरे और बिंदिया चिपकाए। देखिए मैंने ऐसा किया है। ये देखिए बच्चों मैंने लेडी बग बनाई है, इसमें बिंदी चिपकाई है हर जगह। ये मैंने ऐसा किया है। आप भी एक लेडी बग बनाइए, रंग भरिए और बिंदी चिपका दीजिए, तो आपकी सुंदर लेडी बग तैयार हो जाएगी। माता पिता के लिए नोट है कि बच्चों की कार्य करने में सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि ये कहानी अपने शब्दों में सुनने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। अगर बच्चों कोरोना को हराना है तो हमें मास्क लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।